हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल्स कैटिट्यूड। कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। अभी अभी फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन सेल खत्म हुआ है। बहुत लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग करी होगी, मैंने भी करी है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको मिंत्रा का हॉल दिखाने वाली हूँ, जिसमें कि मैंने बहुत सारे कुर्ताज खरीदे हैं विद द प्लाजो एंड दुपट्टाज एंड ऑल 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 ऑल। तो बेसिकली त्योहारों पर मुझे इंडियन वेयर पहनना, यानी कि कुर्ता वगैरह पहनना ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए आज के मिंत्रा हॉल में मैं आपको दिखाने वाली हूँ ढेर सारा कुर्ता जो मैंने मिंत्रा पे बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट पे मंगाया है। सो या गाइस, विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जाके ना मेरे सब्सक्राइब बटन, वो जो लाल कलर का है ना, वो सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबा दो। और अगर वीडियो पसंद आएगा ना तो लाइक बटन भी दबा देना और साथ में घंटा दबा देना, जिससे मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पर मिलती रहे। इतना सारा कुछ है इसमें, टोटल आज के 5 कुर्ताज हैं। सो या स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है ये, विच इज फ्रॉम दी ब्रांड लिबास। ये ब्लैक कलर का है और ये कितना सुंदर है। इसका ये स्वीट हार्ट नेक डिजाइन है एंड इसका ये जो स्लीव्स है ये बेल स्लीव्स में है, पूरा बांधनी प्रिंट है और ये ए लाइन स्टाइल में है। आगे से ये फ्रंट स्लिट दिया हुआ है एंड आगे ये व्हाइट कलर का लेस लगाया हुआ है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। मेरा इसमें साइज है स्मॉल एंड ये मुझे मिला था 1065 रुपीज में। आप इसका स्लीव देखो, कितना सुंदर स्लीव है ना, और ये व्हाइट कलर का जो लेस लगाया है ना, बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लगता है। बहुत लाइट वेट है, कॉटन का है ये। एक तो ये ब्लैक है, ठीक है, और उसके ऊपर से इसका ये जो स्टाइल है पूरा ए लाइन, थोड़ा सा फ्लोई, फ्लेयर फ्लेयर तो नहीं है बट फ्लोई इसका हेम है पूरा। इसकी वजह से ना आप थोड़े से ना पतले लगते हो, तो जब कोई भी चीज ऐसी है जो आपको पतला दिखाता है ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, इसके साथ ना ये पैंट्स आई हुई है। पैंट्स में भी ये ऐसा कुछ डिजाइन दिया हुआ है, काफी एथनिक डिजाइन है पैंट्स में भी। अच्छा पैंट्स में ना पॉकेट दिया हुआ है, पॉकेट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और पॉकेट दिया हुआ है दोनों साइड पॉकेट दिया हुआ है, वाओ। अच्छा आगे में ये है बेल्ट के पास आपको, और पीछे में इलास्टिक दी हुई है, फिटिंग का कोई भी इशू आपको इसमें नहीं होगा। इसके साथ ही ये जो दुपट्टा है, दुपट्टा भी बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हल्का है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। ये दुपट्टा में जो मैक्सिमम कलर है वो वाइट कलर में है, यहाँ सेंटर से लेके साइड तक, और साइड में ये ब्लैक कलर का वही सेम प्रिंटेड डिज़ाइन है जो कि कुर्ता पे दिया हुआ है। फैब्रिक इसका कॉटन है, तो ये बहुत ज्यादा सुंदर वाला, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ऑर्गेनिक कॉटन है। मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्यों? क्योंकि नंबर वन, मैं इसमें स्लिम ट्रिम बिल्कुल पतली दुबली सी दिखती हूँ। सेकंड थिंग इज ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है एंड द थर्ड थिंग इज कि आप इसको पहन लो, आप इसके नीचे जींस पहन लो, आप इसके नीचे कोई भी जेगिंग्स पहन लो, लेगिंग्स पहन लो, ये सबके साथ चला जाएगा, इसलिए मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। और मैं इसमें एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि इसका जो ये स्वीट हार्ट नेक डिजाइन है ये मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा ना, मीन ये आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है कि ये बड़ा है, बट आप कितना भी झुक लो कुछ नहीं दिखता है इसमें, बहुत अच्छा लगता है। भले ही जो फैब्रिक है पतला है, कॉटन है, बट सी थ्रू की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अगर रेटिंग देने की बात मैं करूँ तो मैं इसे देना चाहूंगी फुल ऑन 5 की रेटिंग। यस, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता एंड प्लाजो, विच इज दिस वन, और ये है ब्रांड आपका सांगरिया से, आई होप यू कैन सी। अच्छा इसमें क्या है ना ये कुछ ऐसा है, चेक्ड पैटर्न डिजाइन में है, ऑफ व्हाइट कलर का है ये, एंड इसपे ये वेरी लाइट ब्राउन यू कैन से चेक्ड पैटर्न में डिजाइन बना हुआ है। बीच बीच में ये ब्लैक कलर का ये कपड़ा लगा हुआ है, ये सॉरी ब्लैक कलर का ये कपड़ा लगा हुआ है। ये ना मैंने ऑर्डर किया था एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में और ये मुझे बहुत ज्यादा टाइट हो रहा था, जैसे तैसे इसको मैंने डाला है जिससे कि एटलीस्ट मैं फोटो बना पाऊँ और एटलीस्ट मैं वीडियो दिखा पाऊँ आप लोगों को। ये मुझे पड़ा है 593 रुपीज का, विच इज एक्चुअली वेरी नाइस। इसका जो फैब्रिक है विस्कोस रेयॉन है, बट आई लाइक द फैब्रिक बिकॉज इट इज वेरी कंफर्टेबल फैब्रिक, ठीक है। ये आपको आगे हुक्स दिए हुए हैं, तो हुक लगाने के बाद ये कुछ राउंड नेक डिजाइन में बन जाता है। अगर आपको साइड में वीडियो अगर आप देख रहे होगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल एक ड्रेस की तरह लग रहा है बेसिकली, तो मैं इसे एक नी लेंथ ड्रेस की तरह भी पहन सकती हूँ। और इसके साथ आए हैं ये पैंट्स। पैंट्स में
पैंट्स एक्चुअली बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये साइड में यहाँ पे दो बटन दिए हुए हैं एंड ये चेन, ये जिपर दिया हुआ है। जिपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये चेक पैटर्न में पूरा फुल लेंथ में है, कुछ ऐसा है। ये प्लेड है पूरा पैंट एंड इसमें पीछे में ये इलास्टिक दिया हुआ है जिससे आपकी फिटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी। लेकिन क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में ऑर्डर किया था, फिलहाल मैं काफी मोटी हो गई हूँ, तो ये मुझे आया ही नहीं। जैसा मॉडल ने पहन रखा है ना वेबसाइट पे, उस मॉडल के ऊपर तो ये बिल्कुल कंप्लीटली अलग ही दिख रहा है, ठीक है। और मेरे ऊपर तो ऐसा लग रहा है कि क्या नैनी टाइप लग रहा है मुझे, तो मैं सच्ची बताऊं तो। अब पॉकेट्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो सांगरिया में तो भाई पॉकेट्स होते ही हैं। एक चीज मैंने इनके में नोटिस करा है कि ये पॉकेट्स आपको देते हैं, तो आपको पॉकेट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पैंट में भी शायद पॉकेट्स हैं, यस इनके पैंट में भी पॉकेट्स हैं। बहुत ज्यादा लंबे लंबे पॉकेट्स नहीं है, बट देयर आर पॉकेट्स, सो यू विल फील कंफर्टेबल। अच्छा, मुझे लगता है ना कि इसमें साइज की वजह से लुक पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। मतलब अगर मैं इसकी साइज जो है स्मॉल या मीडियम अपने साइज के हिसाब से मंगाती, तो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा सिंपल, सोवर और क्लासिक लगता, काफी अच्छा लगता। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो है ये, दिस इज फ्रॉम दी ब्रांड सागरिया। मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। अच्छा, इसका जो कपड़ा है ना, बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत ही अच्छा वाला कॉटन है, सॉफ्ट कॉटन है ये। यहाँ आगे से ये की होल नेक डिजाइन में है, ये यहाँ पे धागे लगे हुए हैं तो आप बांध सकते हो। ये इसका अनारकली स्टाइल में है, बट ये प्लीटेड है, तो प्लीटेड वाला डिजाइन है इसका। आपको ऑलमोस्ट 3-4 स्लीव्स मिल जाएंगी। ये टी ब्लू कलर का है एंड इस पे ये मरून कलर के डिजाइन्स, प्रिंटेड डिजाइन्स बना रखे हैं। इसकी लेंथ काफी अच्छी है, काफी लंबा है ये। इनफैक्ट इसका कलर बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। ये मेरा साइज है स्मॉल एंड इसकी भी जो फिटिंग है मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग है। ये मुझे मिला है 767 रुपीज का। इससे मुझे ओवरऑल कोई भी कंप्लेन नहीं है। आजकल मैं ऐसे ही प्रिंटेड डिजाइन वाले, फ्लैट वाले कुर्ताज पहनना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें मेरा मोटापा ज्यादा दिखता नहीं है। इसके लिए आई लाइक इट। वो जो स्ट्रेट फिटिंग वाले होते हैं आजकल, मैंने तो वो खरीदना ही बंद कर दिया है। भाई पेट दिखेगा इतना सारा, क्या फायदा उसको लेने का, है ना। और क्योंकि अगेन ये ब्रांड सांगरिया से है, तो आपको पॉकेट्स भी मिल जाते हैं। वाओ, अरे वाह, इसमें तो दोनों साइड ही पॉकेट्स दिए हुए हैं, दोनों साइड पॉकेट्स हैं इसमें। सो दिस आर द प्लाजो पैंट्स जो इसके साथ आया है, कोई दुपट्टा नहीं आया है। काफी कंट्रास्टिंग पैटर्न में है, कोई उसके जैसा डिजाइन नहीं है जैसा कि इस कुर्ते में था। आप चाहो ना तो ये कुर्ता इतना लंबा है ना कि आप इसके नीचे नॉर्मल कोई जैगिंग्स वगैरह भी पहन लो ना, जींस वगैरह, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें भी ऐसे ये दो बटन दिए हुए हैं, साथ में ये जिपर दिया हुआ है। जिपर की क्वालिटी इज रियली रियली गुड। ओवरऑल ये दोनों भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इट इज वेरी नाइस, द कलर इज वेरी वेरी सुंदर एंड इस कलर का मेरे पास कुछ था नहीं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डी। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज दिस वन, अगेन फ्रॉम द ब्रांड सांगरिया। काफी अच्छा कलर है इसका, इसका रस्ट कलर है। वो जो थोड़ा डीप मरून या थोड़ा सा ब्राउन मिक्स होता है ना, वो वाला कलर है ये इसका। कुर्ते का जो बाजू है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे व्हाइट कलर के ऐसे। ये पता नहीं मुझे दिख रहा है कि आजकल ज्यादातर कुर्ता में ऐसा कुछ डाल दे रहे हैं जो कि काफी अच्छा लुक दे रहा है। ओवरऑल ये प्रिंटेड ये डिजाइन में है, ये पैनल डिजाइन है, इस पे एथनिक मोटिव काम हो रखा है। राउंड नेक है इसका एंड दिस इज द प्लेड हेम। एज यू कैन सी, काफी इसमें अच्छा खासा लंबा घेरा है। जितने भी कपड़े हैं ना यहाँ पे जो मैंने लिए, मुझे लगता है कि मैं सारे एज अ वन पीस पहन सकती हूँ। बहुत ज्यादा वर्सेटाइल कपड़े हैं, आप चाहो तो मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकते हो। उनके जो बॉटम यानी कि जो पैंट्स हैं, जो प्लाजो है, आप उनको दूसरे कपड़ों के साथ भी काफी अच्छे से स्टाइल कर सकते हो। तो ये इन कपड़ों की काफी अच्छी क्वालिटी है, काफी अच्छी खास बात है। इसमें मेरा जो साइज है दैट इज स्मॉल एंड मुझे ये मिला है 817 रुपीज। इसके पैंट्स की मैं बात करूँ ना, तो पैंट्स कुछ ऐसा आया है। पैंट काफी फ्लोई फ्लोई सा है, मीन्स काफी ढीला डाला है, मतलब लुक ढीला डाला है, काफी कंफर्टेबल है। इसमें इलास्टिक लगा हुआ है पीछे में, आगे में कुछ ऐसा है, ये डिजाइन बने हुए हैं। ओके, पैंट्स कुछ ऐसी है, फ्लैट वाली प्लाजो
प्लाजो पैंट्स है तो ये काफी ज्यादा अच्छी लगती है, काफी भरा भरा ये लुक देता है कि आपने कुछ भारी भरकम सा पहन रखा है, बट रियल में ये इतना हल्का है, कंफर्टेबल वाला कॉटन है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मस्त पहन के आप इसको गरबा में डांस करो या कहीं भी आओ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मजा आएगा आपको। अच्छा, इनका जो दुपट्टा है, दुपट्टा नीचे जाके दिखाती हूँ, ये स्क्वायर शेप का दुपट्टा है, काफी छोटा दुपट्टा है। दुपट्टा तो आप इसे यूज नहीं कर पाओगे, स्कार्फ की तरह आप यूज कर सकते हो। आप इसे ना स्कार्फ की तरह यूज कर सकते हो। सो या दिस इज डिफरेंट इन दिस प्रोडक्ट। सो या गाइस, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। ओवरऑल ये पड़ा है मुझे 817 रुपीज, अंडर 1000 रुपीज, एंड मेरा साइज है स्मॉल। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो मैंने पहन रखा है, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कालीनी। कालीनी एक ऐसा ब्रांड था जिससे मैंने इससे पहले कभी भी शॉपिंग नहीं करी थी, बट ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है इसलिए मैंने इसे पहन रखा है। ये भी अनारकली शेप का है बट इसमें ये प्लीटेड डिजाइन है। अच्छा, एक बार ना मैं खड़े होकर दिखा देती हूँ, वैसे तो आपको साइड में दिख रहा होगा, और इसमें यहाँ ये डिजाइन वर्क हो रखा है। दिस इज ऑल्सो वेरी एथनिक, बहुत ज्यादा इंडियन वाइब्स देता है। और यहाँ पे ये डिजाइन जा रहा है, सिल्वर कलर का गोटा पट्टी का काम हो रखा है, तो ये धागा है वो खुला हुआ है। अच्छा, मैं इसे बांध देती हूँ, ठीक है। ये आगे जो ये डिजाइन है, पूरा पीछे भी यही डिजाइन हो रखा है, और इसके साथ आई है ये पैंट्स एंड दुपट्टा। कपड़ा इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, इतना सॉफ्ट कपड़ा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ पहना ही नहीं है। ये लंबा है, ये ना पैंट जो है थोड़ा सा नैरो डाउन कर दिया है, मीन्स फ्लैट नहीं है। सो दिस इज द ओवरऑल पैंट। पैंट में अच्छा पॉकेट्स दी गई हैं, लंबी पॉकेट्स हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबा से लंबा फोन भी आ जाएगा। दोनों साइड में इलास्टिक है, ऐसा कुछ एथनिक प्रिंट दिया हुआ है, सो यू विल लव इट। इसके साथ ये दुपट्टा आया है, दुपट्टा तो बहुत ही हल्का है, वेरी लाइट वेट दुपट्टा। दुपट्टे में कुछ ऐसा डिजाइन बना रखा है, मीन्स जैसा पूरे आपके कुर्ता में डिजाइन है वही वाला डिजाइन यहाँ पे भी है, साइड में बॉर्डर में ये ऐसा डिजाइन है। ओवरऑल दुपट्टा डाल देते हैं, मुझे पहले ही पहन के बैठना चाहिए था क्या। जो भी है, दिस इज द होल लुक। ये मुझे काफी इंडियन, काफी सिंपल सोबर बट एट द सेम टाइम वेरी क्लासिक लुक देता है, आई रियली लाइक इट। ये है कालीनी ब्रांड से, एंड इसमें मेरा जो साइज है दैट इज मीडियम। ये हल्का सा मुझे लूज हो रहा है बट दैट इज कम्प्लीटली फाइन, आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल इन द साइज मीडियम। एंड ये मुझे मिला है 809 रुपीज में, अगेन लेस देन 1000 रुपीज, सो या आई रियली लाइक इट। इसका जो ये नेक है ना, वी नेक डिजाइन, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं चाहती हूँ ये मेरे नेक को इनहांस करे, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं गले में पहन रखा है, एंड ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एक्चुअली। सो या गाइस, दिस वाज ऑल। आई होप कि मेरा ये वीडियो और साथ में जितने भी मैंने कुर्ता लिया है ना, वो आपको पसंद आया होगा। और मैं चाहती हूँ कि आपकी जो फेवरेट कुर्ता है इस हॉल वीडियो से, वो आप प्लीज कॉमेंट करके बताना। और जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में लाइक बटन भी दबा देना और घंटा बजा देना, जिससे मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पर मिल जाए, आप कुछ भी मिस ना करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।